दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड देवदर्शन में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको उत्तराखंड में स्थित धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों की जानकारी देते हैं। दोस्तों आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड में स्थित चार धामों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहें हमारे साथ अंत तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएँ। दोस्तों विजयदशमी के पावन अवसर पर चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि घोषित हो चुकी है। दोस्तों इस वर्ष मई महीने में लगभग सारे धामों के कपाट खुल चुके थे। तब से लेकर अब तक लगभग 40 लाख श्रद्धालुओं ने इन चारों धामों के दर्शन कर लिए हैं। उत्तराखंड के पहले धाम यानी बद्रीनाथ धाम, जो कि देश का भी प्रथम धाम है, उनके कपाट 19 नवम्बर को दोपहर 3:35 पर बंद हो जाएंगे और बाबा केदार के कपाट 27 अक्टूबर को भैयादूज पर बंद किए जाएंगे। इसी दिन बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर के लिए प्रस्थान करते हुए रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंचेगी। 28 को गुप्तकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास करेगी। 29 को बाबा केदार ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे। वहीं उत्तराखंड के तीसरे धाम यानी गंगोत्री धाम के कपाट 26 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे। धाम से मां गंगा की उत्सव डोली यात्रा शीतकाल पड़ाव मुखवा, जो मुखी मठ में है, वहां के लिए रवाना होगी। दोस्तों उत्तराखंड के चौथे धाम यानी यमुनोत्री धाम के कपाट इस वर्ष 27 अक्टूबर को भैयादूज पर्व पर बंद किए जाएंगे। इस दिन मां यमुना की डोली अपने शीतकाल पड़ाव खरसाली के लिए प्रस्थान करेंगी। दोस्तों ये तिथियाँ तो थी उत्तराखंड में स्थित चार धामों की। अब बात करते हैं उत्तराखंड में स्थित पंच केदारों में से दो केदारों की तिथि भी घोषित हो चुकी है। पंच केदार में से तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट 7 नवंबर को और द्वितीय केदार मध महेश्वर के कपाट 18 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे तथा चतुर्थ केदार यानी रुद्रनाथ के कपाट 17 अक्टूबर को बंद होंगे। रुद्रनाथ कपाट की तिथि पहले ही घोषित हो चुकी थी। दोस्तों ये थी आज की अपडेट। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम ऐसी कुछ नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। धन्यवाद।